Hey guys, this is Simi's side. So for those who are new to my channel, my name is Simran and I'm a first year BCom honors student at SRCC. So तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन एंड ऑल चल रही है एंड आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट कम अप विद शेयरिंग सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई फॉलोड जब मैं अपने इकोनॉमिक्स का पेपर दे रही थी टू स्कोर 96 ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम. इकोनॉमिक्स एज अ पेपर आई वुड से कि यहाँ पे 50% एफर्ट मेरी फैकल्टी मेरी टीचर का था जो कि स्कूल की टीचर थी, बट शी ऑलवेज यूज टू डू इज शी नेवर यूज टू अलॉट मी मार्क्स ड्यूरिंग माई हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स या उसके बाद इफ आई एवर अपीयर्ड फॉर सम एक्स्ट्रा टेस्ट तो कभी मार्क्स नहीं देती थी. आई यूज टू वॉन्डर एम आई सो बैड एट स्टडीज कि मेरे अकाउंट्स में इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं बट इकोनॉमिक्स में नहीं आते. बट ऑल दैट मेड मी स्कोर 96 ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स वाज ऑल ड्यू टू माय टीचर दैट शी नेवर यूज्ड टू अलॉट मी मार्क्स एंड दैट वाज बिकॉज कि मेरे अंदर एक अर्ज रह गई कि मेरे को स्कोर करना है. मेरे मार्क्स 50 से ज़्यादा वो देती ही नहीं थी तो आई यूज टू थिंक आई यूज टू क्राई अलॉट कि भाई मार्क्स नहीं आ रहे कैसे चलेगा सिमरन, अभी अभी टेस्ट दिया है एंड 10 दिन में पेपर है, इकोनॉमिक्स का ऐसे नहीं होता एंड ऑल. सो all the people who are watching my video right out there, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि डोंट डाउट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स यू गेट. यू आर नॉट सेइंग लाइक हो सकता है अभी जो तुम अपना ग्राफ देख रहे हो, एक पेपर तुमने दिया एंड तुम्हारा ग्राफ ऐसे डाउन जा रहा है, देन एक और पेपर दिया तुम्हारा ग्राफ फिर से डाउन चला गया, एक और दिया फिर से चला गया, लाइक नो मैटर जितने भी सैम्पल पेपर मार्क्स के लिए यू आर एक्चुअली अपीयरिंग. बट तुम जब वो लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, ऐसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखोगे तो मान लो कितने भी एग्जाम पेपर्स तुमने अपेयर किए थे देने के लिए मार्क्स एज इन, तो बट वो लॉन्ग टर्म में ना वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है. एंड वो ऊपर जाता हुआ कब नजर आएगा, जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम दोगे इकोनॉमिक्स का एंड तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, राइट. तो हमें इस पॉजिटिव थॉट के साथ जितनी भी चीज़ें हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड वेल प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम इन दीज 15-18 डेज समथिंग लेफ्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम, तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने माइंड में लेके चलेंगे ताकि तुम्हें एक पॉजिटिव थॉट से ये सारी हैबिट्स अडॉप्ट करने की आदत पड़े. तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड. इकोनॉमिक्स में ऑफकोर्स डिवाइडिंग इन टू टू पार्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में एट दिस क्रूशियल टाइम ना कि आई मीन हाँ पेपर इज नियर बट यू गॉट समथिंग लाइक 15 डेज, कब चले जाएंगे नहीं पता चलेगा बिकॉज यू ऑल्सो हैव अकाउंट्स एंड BST तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स बचे हैं एंड सम ऑफ यू हैव टू अपेयर फॉर फिजिकल एजुकेशन, राइट. तो या इकोनॉमिक्स के मेन पेपर के स्टार्टिंग के लाइक इनिशियल 4 डेज यू कैन ड्रॉ आउट कि इसमें तुम्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स करना है और कुछ नहीं, क्योंकि इट्स मोर ऑफ तुम अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स कितने रिटेन कर पा रहे हो एंड कितनी चीज़ें याद रख पा रहे हो, कितना मोर कंज्यूम कर पा रहे हो. उसके पहले तुम अपना अकाउंट्स, इको एंड BST आई वुड से एक शेड्यूल बना के रखना एंड साथ साथ में ताकि सब कुछ चलता रहे. कमिंग अप टू मैक्रो इकोनॉमिक्स से आई वुड से आई यूज टू रैंक ऑल दी चैप्टर्स जो रैंक वाइज मेरे को आते कितने हैं. हो सकता है मेरे को सबसे अच्छे से BOP आता है तो आई यूज टू रैंक इट 1 एंड उसके बाद अगर मुझे नेशनल इनकम अच्छे से आता है तो सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ करते करते मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स आई यूज टू नोट इट डाउन. उसके बाद मेरे को ये पता चल जाता था कि कौन से चैप्टर से मुझे डर लग रहा है एंड सिमी साइड की तो यही आदत है कि जिससे डर लग रहा है बस उसी को फोड़ना है. तो यार सबसे पहले वही चैप्टर मैंने उठाया, एटलीस्ट तो तुम भी कर सकते हो, वही चैप्टर उठाओ जिससे डर लग रहा है, जिसके क्वेश्चंस करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं रहता है. फॉर एग्जांपल इफ इन योर केस इट्स नेशनल इनकम, टेक आउट द चैप्टर, गो थ्रू द कंसेप्ट. सबसे पहले तो आई यूज टू रेफर एनी काइंड ऑफ वीडियोज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है. अभी तो बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, उस पर माई आइडियल ट्यूटर जिसने मेरे को स्टार्टिंग से ही मार्गदर्शन दिया है इकोनॉमिक्स के लिए, नन अदर देन CA पराग गुप्ता सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. लाइक
एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होता जो मिस आउट कर देते हैं. इनफैक्ट तुम क्वेश्चंस कर रहे होगे तो तुम एक टाइम के लिए भूल जाओगे कि ओ ये सर ने नहीं कराया, बट इफ यू रिवाइज द नोट्स ना जो सर ने लिखवाए थे तो वो सब ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो दैट्स अ लिटिल शॉकिंग. बट या अभी आई वुड से जो सी पराग गुप्ता सर को रेफर नहीं कर रहा था तो तुम लोग यू कैन रेफर टू द वन शॉट्स ऑफ सी पराग सर. तो वन शॉट्स रेफर करने के बाद तुम्हें आइडिया आ सकता है कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, सर के इतने अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, सर पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करते हैं टेलीग्राम के थ्रू. सो यू कैन ऑल्सो गेट सच अ सर्विस थ्रू हिम. तो ये सब करने के बाद तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी. एंड ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों ही है सर के पास, तो या यू कैन गो फॉर बोथ ऑफ देम. इसके बाद तुम्हारा काम है सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ऑफकोर्स देन न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड अनदर थिंग ग्राफ. तो जो तुम्हारे 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं ना, कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्राफ बनाना, लाइक सबसे पहले टेबल शेड्यूल बनाना, दैट्स फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, राइट. टेबल शेड्यूल्स बनाना, फिर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड देन कंक्लूजन. इसकी प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब तुम 6 मार्कर्स एक्चुअली में लिख रहे होते हो, तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें आता हो, माइंड में हो, ऑर्गेनाइज तरीके से तुम उसे प्रेजेंट कर पाओ. एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ जो तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो इट्स लाइक जो नेशनल इनकम में तुम्हारे डिफॉल्ट्स आते हैं कि डुअल एस्पेक्ट वाला थिंग एंड ऑल, इन पे क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं. तो मेक श्योर कि तुम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर से ऑलरेडी ढंग से होके जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दे डू रिपीट. ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ढंग से कर लेना. वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही होते हैं जो तुम्हारे टीचर ने अलॉट किए होते हैं, तो या दैट कैन हेल्प यू लॉट. उनके ढंग से आंसर्स ऑलरेडी नोट करना, गेट इट चेक फ्रॉम योर टीचर, गेट इट एनालाइज्ड एंड ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू रिटेन, एंड देन यू कैन एक्चुअली अपेयर फॉर इट डायरेक्टली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से गो थ्रू करना, जरूर जरूर करना. जिनके पास ओसवाल बुक्स है उन्हें ऑलरेडी होंगे उनके पास, क्योंकि दे प्रोवाइड क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रीवियस ईयर के, एटलीस्ट लास्ट पास 2 के, तो या यू कैन गेट फुल आइडिया फ्रॉम दैट. नेक्स्टली इफ आई वुड से इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट 20% अंडरस्टैंडिंग 80% लर्निंग. तो इस 20% अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हमेशा वन शॉट वीडियोज लगाई हैं, अपने टीचर की हेल्प ली है चैप्टर को समझने में, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो जिसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट्स मोर ऑफ की हिस्ट्री यार, ठीक है. आई डोंट यू लाइक आई डिडंट लाइक हिस्ट्री एट ऑल. मेरे को नहीं याद करना कि किसने क्या किया, बट हाँ अभी तो करना पड़ेगा, 96 चाहिए इकोनॉमिक्स में. तो आप उस हिसाब से वीडियोज देख लो, वही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. जब एक मूवी की तरह तुम्हें जब दिखेगा ना, तो तुम्हें सब याद रहेगा. एंड द थिंग इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया पाकिस्तान वाला थिंग में तुम्हें इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर एग्जांपल 1978 में चाइना के रिफॉर्म्स एंड ऑल डिसाइड हुए थे, इंडिया में कब हुए थे, उसके बाद ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनकी फुल PDFs एंड ऑल आई गेस अगेन सी पराग गुप्ता सर ने इन सारे चैप्टर्स की भी वन शॉट्स डाले हैं, एक्सप्लेन वीडियोज भी डाले, यू कैन रेफर टू इट. उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी. मैंने पर्सनली भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वही सारी वीडियोस रेफर करी थी. उसके बाद सिंस आई हैड नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, हर दिन इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर उठा के आई यूज टू गो थ्रू इट. एंड वो नोट्स से जब तुम गो थ्रू करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट थिंक एज इफ कि हाँ कुछ ऐड हुआ है, बट एट द लॉन्ग टर्म ना जब पेपर के सामने तुम बैठे होते हो, वो क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉपअप हो जाते हैं तुम्हारे माइंड में आंसर. और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि बस इंडियन इकोनॉमिक्स को NCERT के इक्वलाइज कर लो, क्योंकि सीरियसली जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर चेकर होता है वो NCERT की लाइंस ही ढूंढ रहा होता है, बिकॉज तुम इसमें अपने आप से कितनी भी कहानी बना लो, दे रेयरली फाइंड इट वैल्यूएबल. तो ट्राई की जितनी भी लर्निंग तुम कर रहे हो, तुम NCERT के वैल्यू पॉइंट्स उठा रहे हो जो उसमें कन्वेड है. तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, तुम्हारे पास ऑलरेडी मटीरियल है. यू जस्ट नीड टू पुट योर एफर्ट्स एट द राइट एंड सूटेबल प्लेस थ्रू सूटेबल गाइडेंस. तो मेक श्योर कि तुम NCERT ही रेफर करो टू रिटेन द आंसर्स दैट यू आर सपोज टू राइट इन इंडियन इकोनॉमिक्स का एनी क्वेश्चन. एंड ये सारे क्वेश्चन अगेन सैम्पल पेपर से यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज जो सैम्पल पेपर में दिए होंगे. आई पर्सनली कंप्लीटेड माई सैम्पल पेपर ओसवाल का 100% बिफोर अपेयरिंग फॉर माई इकोनॉमिक्स का एग्जाम, बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू गिव एनी काइंड ऑफ चांस टू इट. ठीक है, तो अभी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कुछ करने को. तुमने अगर ये भी कहोगे कि 20% ही किया है सिर्फ इकोनॉमिक्स में ना, तो आई वुड से वो 80% वाला थिंग
इन 15 डेज में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. डोंट फ्रीक आउट, इतना कुछ सीरियस नहीं है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल अनदर इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन जो तुमने 11 से देते आए हो. डोंट फ्रीक आउट दैट मच. कुछ ह्यूमैनिटीज के भी होंगे. मेक श्योर यू ऑल्सो बैलेंस अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन अभी भी बाकी है. तो हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि तुम्हें दिन में कितना टाइम किसे देना है, बेस्ड अपॉन तुम्हें कितनी चीज़ें कम्प्लीट हो रखी है कौन से सब्जेक्ट में. एंड अगेन बिलीव मी, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज लगेगी. अभी यू आर वॉचिंग द वीडियो, अभी यू हैव सम प्रेशराइज टेक अवेज टू हैव विद टू लिव विद, बट सब नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड वी कैन मीट एट SRCC देन समडे. बाकी अभी के लिए मेक श्योर कि यू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल, यू आर एडहेरिंग टू इट एंड यू आर कंसिस्टेंट एट योर एफर्ट्स. एट लीस्ट माई व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एफर्ट्स. मैं पक्का गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स में या किसी भी टेस्ट में तुमने जितना भी स्कोर किया था उससे बहुत ज़्यादा आएंगे अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स. सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. तो टेक एवरीथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. इसके बीच में इफ़ यू थिंक एक और वीडियो आनी चाहिए रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड आई नीड टू रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ योर क्वेरीज, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स की व्हाट आर दोस क्वेरीज. आई विल श्योरली कम अप विद. स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. सबके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा वर्क life balance. Make sure don't just devote the number of hours but also draw some light on the productivity you are providing to your study hours. Theek hai, us hisab se padhai karenge, saath mein we can ace it. So yeah, that's it for the video guys. Stay healthy, stay tuned, study hard, study well and take care of your health as well as smile as well. So yeah, tab tak ke liye milte hain next video mein.